सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों के साथ साथ आने वाली स्किन और हेयर की नमी भी कम होने लगी है। और सीजन्स के मुकाबले विंटर्स में स्पेशली स्किन और हेयर का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। घर को संवारते संवारते खुद को संवारना, इसी का नाम तो जीवन है। न्यू होप, न्यू टास्क और इनसे मिलने वाले न्यू लेसन्स, इसके साथ एक नए दिन की शुरुआत। कभी ना खत्म होने वाले वर्कलोड जितना लंबा दिन और उतनी ही छोटी रात जिसमें नींद कभी पूरी ही नहीं होती। बड़े सपनों को साकार करने के लिए नींद का छोटा होना जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल पर आपको कई सारे ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। और अब से मैं शुरू कर रही हूँ एक न्यू सीरीज और आई एम श्योर कि ये वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे। अपनी लाइफस्टाइल, ट्रैवल व्लॉग्स, होम ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं इन होम मेकर टास्क में बात करने वाली हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और हैपनिंग रहेंगे। तो मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज मैं करने वाली हूँ घर पर ही हेयर स्पा। हफ्ते में एक बार हेवी हेयर ऑयलिंग करना, मास्क लगाना, ऐसे आप विंटर्स में होने वाले एक्सेसिव हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। विंटर्स में हेयर ड्राई होना, फ्रीजी होना, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से हेयर कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। इनमें नमी बनाए रखने के लिए इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। मार्केट में कई सारे हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो स्पा के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। आप ऑनलाइन उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है और घर पर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये सब प्रोसीजर कर सकते हो। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है और इसका डिटेल ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप इन प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हो या फिर ये डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। हफ्ते में एक बार या फिर एटलीस्ट 15 दिन में एक बार आपको हेयर स्पा या फिर हेवी हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी है, ताकि आपकी हेयर की हेल्थ जो है मेंटेन रह सके। हेयर फॉल की शिकायत अगर आपको काफ़ी टाइम से है तो मेरे कहने पर आप ये ज़रूर करके देखें, इससे बहुत ही नोटिसेबल रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। हेयर शाइनी, सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी हेयर स्पा बहुत ही अच्छे से काम करता है। बाय द वे, अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवाना नहीं चाहते हो तो आप घर में DIY भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, लाइक हनी, एग या फिर योगर्ट, इन जैसे मास्क भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी काफ़ी असरदार है। सॉफ्टनेस को मेंटेन रखने के लिए स्टीमिंग ज़रूर ले। ऐसे स्टीमिंग कैप्स ऑनलाइन बहुत सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। एटलीस्ट 45 मिनट्स तक आपको हेयर मास्क को रखने देना है और उसके बाद लुक वार्म वाटर से आप हेयर वॉश कर सकते हो। ध्यान रखिए कि हेयर मास्क लगाने के बाद जब भी आप हेयर वॉश करें तो फिर से शैम्पू का इस्तेमाल ना करें और स्टीमिंग 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना ले, अदरवाइज हेयर वीक हो जाते हैं, हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ने लगता है। 15 मिनट स्टीमिंग लेने के बाद मैंने अपने स्टीमिंग कैप को रिमूव कर दिया और थोड़ी देर के लिए शावर कैप पहन के मैंने अपने हेयर्स को उसी तरह से छोड़ दिया, ताकि मास्क बहुत अच्छे से मेरे हेयर्स में पेनिट्रेट हो सके। और इसके बाद नॉर्मल वाटर से मैंने अपने हेयर्स को वॉश कर लिया। बालों की हेल्थ के लिए हेयर टूल्स का इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा, और किसी भी हेयर ट्रीटमेंट के बाद मिनिमम 15 डेज के लिए तो आपको हेयर स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर अपने हेयर्स एयर ड्राई होने देती हूँ और सीरम ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्किन और हेयर का ख्याल बाहरी सप्लीमेंट्स के साथ पूरा नहीं हो सकता। अंदर से इम्यून जितना स्ट्रांग रहेगा उतना असर जल्दी दिखेगा। मेरे हिसाब से ड्राई फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा समय विंटर्स का होता है।
इसकी ज़रूरत और बेनिफिट्स विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना सिर्फ हेयर और स्किन को बूस्ट करती है, बल्कि ओवरऑल बॉडी को स्टैमिना और हीट प्रोवाइड करने के लिए विंटर्स में स्पेशली बहुत हेल्प करती है। सर्दी में बार बार लगने वाली भूख को हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस करने के लिए लड्डू बेस्ट अल्टरनेटिव है। यह सिर्फ भूख को नहीं मिटाते बल्कि सर्दी में हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाए रखने में हेल्प करते हैं। एनर्जी, स्टैमिना, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इतने सारे बेनिफिट्स एक चीज़ में फुलफिल हो जाते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक न्यूट्रिशन वैल्यू है और अगर इन्हें बनाया जाए देसी घी में तो इनका स्वाद और इनकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी डेली मील में देसी घी स्किप होने लगा है, लड्डू के बहाने इसके भी बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। इसकी प्रिपरेशन काफ़ी इजी है, लेकिन हाँ, ये एक अकेले का काम नहीं, इसने मेरा पूरा दिन बिजी रखा, लेकिन इसका टेस्ट, इसका रिजल्ट सेटिस्फाइंग था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी अच्छी धरोहर हमें फॉरवर्ड की है, जिसके साथ हम जीवन को सरलता से जी पाए। किसी भी पैकेज फूड में ऐसी मिठास और ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू इम्पॉसिबल है जो आप प्यार से घर पर बनाते हो और अपने हाथों से अपनों के साथ बांटकर खाते हो। वैसे तो बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ ये लड्डू बन जाते हैं, बस इसमें लगता है तो पेशेंस और थोड़ा सा समय, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से फ्राई करके फिर कंबाइन करके एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के साथ मिक्स करना है और इसके बाद मुंह में घुल जाने वाला स्वाद। इस सारे प्रोसेस में दोपहर से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। हमारे घर पर मिठाई ज़्यादातर नवरात्रि के टाइम पर बनती है, माँ के सामने भोग लगाने के लिए, और उन दिनों में आने वाली एनर्जी इन सारे कामों को पूरा करने के लिए पता नहीं कहाँ से इतना स्टैमिना बढ़ जाता है, लेकिन सारे काम बहुत ही खुशी खुशी से और एनर्जी के साथ पूरे हो जाते हैं। वैसे तो हर मिठाई में सबसे फेवरेट तो लड्डू होता है और हर घर में एक अपनी रेसिपी के साथ उसे बनाया जाता है, और सर्दियों में अलग अलग टाइप्स के लड्डू हम स्पेशली हेल्थ बेनिफिट के लिए बनाते हैं, जैसे गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, मेथी के लड्डू, उड़द दाल के लड्डू, काफ़ी सारे। आपके घर में कौन से लड्डू बनते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो उसकी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे अपनी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। शक्कर के बजाय जैगरी का इस्तेमाल हेल्थ बेनिफिट के लिए भी अच्छा है, और सर्दियों में स्पेशली गुड़ को खाना काफ़ी फायदेमंद होता है। शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब भी मेरे लड्डू मेकिंग के लिए बाकी है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ घर के और छोटे मोटे कामों को भी मैंने निपटा लिया। बस इसके बाद बाकी रहेगा तो वो रात का खाना, हाँ वो भी बनाना है। होम मेकर टास्क इसी को कहते हैं, एंडलेस वर्कलोड लेकिन अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन। और बस ये आखिरी स्टेप है और इसके बाद जस्ट मिक्सिंग प्रोसेस और लड्डू बनने ही वाले हैं। तो सारे मिक्सचर को मैंने बड़े से बर्तन में निकाल लिया है और ये ठंडा होने से पहले पहले थोड़े से हल्के गर्म ही हमें पानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली ठंडे हो गए तो फिर इसे बाइंड कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नेवर माइंड, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप इसे फिर से गर्म कर सकते हो और फिर से ये अपनी शेप बाइंड करने लगेंगे। तो फटाफट से मैं भी अपने लड्डू बाइंड कर लेती हूँ और ये वाला टास्क आज का कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे जैसे लड्डू की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ रही थी। फाइनली ये हो चुके हैं कंप्लीट और इतने सारे लड्डू आज बन चुके हैं। इन्हें पूरा करने के बाद भगवान जी को भोग लगाना तो बनता है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भगवान को, जिनकी वजह से ये शक्ति मुझे मिली और ये सब कुछ मैं कर पाई। मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना है, मायने ये रखता है कि आप उसके लिए कितना ब्लेस फील करते हो, और अगर आप ब्लेस फील करते हो तो ग्रैटिट्यूड दिखाना आपके अंदर के समर्पित भाव को दर्शाता है।
और समर्पित होना बुरा तो नहीं।